नमस्ते नमस्ते सोहन जी, कैसे हैं? नमस्ते अर्चना जी, कैसी हैं? पहचाना मुझे? मैं आम आदमी नहीं, ठीक है, मुझे क्यों पहचानेंगे आप? आम आदमी को कौन पहचानता है आज के जमाने में? क्या होता हूँ मैं आपको अर्चना जी? पहले तो आम आदमी ये सोचकर खुश हो जाता कि शादी कर ली, अब रोज का खर्चा नहीं करना पड़ेगा। बाद में मालूम पड़ता है कि ये बीवियां उससे चार गुना ज्यादा खर्चा करवाती है। अर्चना जी, मैं आपको एक बात बताऊं, पड़ोसी की बीवी अच्छी क्यों लगती है मालूम है क्यों? क्योंकि पड़ोसी की बीवी के होठों पर जो लिपस्टिक लगी है उसका खर्चा पड़ोसी ने दिया है, मैंने नहीं। लेकिन ठीक है, कभी कभी कुछ खर्चे उठा लेना चाहिए, जैसे मैं गर्लफ्रेंड के फोन का बिल का खर्चा उठा लेता हूँ कभी कभी। क्या कहा? खर्चा खुद करते हो और बात मुझे सुननी पड़ती है। लगाऊंगा कान के नीचे। बहुत हो गया, आज तुम घर के बाहर सोओगे। घर के बाहर? नहीं नहीं डाले, ऐसी बात नहीं है, काफी पैसे मेरे पास, आओ आइसक्रीम खाने चले। ठीक है, तुम बेडरूम में सो सकते हो लेकिन सोफे पे सोओगे। 1000 रुपए ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा गुस्सा ठंडा हो गया। पूरे 10,000 में मेरा गुस्सा ठंडा होगा। 1000 रुपए है, 9,000 का इंतजाम हो जाए तो फोन कर देना। अरे डार्लिंग, अरे बेबी, अरे मेरी भाग्यवान, अरे कहाँ जा रही हो? अरे यार, अब ये कौन? लो, एक बीवी गई, दूसरी बीवी का फोन। नहीं नहीं गलत मत समझिएगा, मेरे बॉस का कॉल आ रहा है। सब बढ़िया सर? हाँ सर। नहीं सर, आपको आने की क्या जरूरत है? कल तो हम ऑफिस में मिल ही रहे ना सर। क्या प्रमोशन देना चाहते हैं? सर मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा सर। हाँ हाँ सर, घर आएंगे, खाना खाएंगे। हाँ हाँ जरूर, मैं आपको अपने बीवी के हाथ की बनी दाल खाना चाहते हैं। मेरी बीवी से मिलना चाहते हैं? क्यों, आपकी बीवी की मूछें निकल आई है क्या? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है सर, आइए सर, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊँ बीवी? अरे कहाँ से क्या लाऊँ, मेरी बीवी है ना, मैं उसको फोन करके बुलाता हूँ, मान जाएगी आखिर मेरी बीवी है। हेलो डार्लिंग, कैसी हो? नहीं नहीं, मैंने तुम्हें वापस आने के लिए कॉल नहीं किया, मैं तो बस ये बोल रहा हूँ थोड़ी देर के लिए घर आ जाओ, बॉस आ रहे हैं। नहीं नहीं, नाचना नहीं है बॉस के सामने, खाना खाना बन। 10,000 रुपए का इंतजाम कर। डार्लिंग प्लीज, ये 10,000 से कम नहीं मानेगी। खैर छोड़िए, अब मैं किसको फोन लगाऊं? अरे हाँ, मैं अपने दोस्त सिद्धार्थ को फोन लगाता हूँ। हेलो सिद्धार्थ, अरे भाई बहुत टेंशन हो गई यार, 2 घंटे के लिए बीवी उधार मिलेगी? पागल आदमी, अब मैं कहाँ से लाऊं बीवी? अरे हाँ, वो थिएटर डायरेक्टरी, किसी एक्टर को हायर करना पड़ेगा। हेलो, हाँ एक बीवी चाहिए, नहीं मेरे कहने का मतलब एक एक्ट्रेस चाहिए जो बीवी का रोल निभा सके। हाँ भेज दीजिए। ओके थैंक यू वेरी मच। आ गई, आ गई। आज फिर अकेले में उनसे मिलने जाना है, आईना बता कैसे उनका दिल चुराना है, मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत है। अरे सर बॉस। अच्छा वो सर आप आ गए, आज मैं तुम्हारे घर को दिल खोल के देखूंगा, घर में क्या क्या चीज है। हाँ हाँ। कितना खर्चा होता है उस हिसाब से मैं तुम्हारा प्रमोशन करूंगा। अरे हाँ। और फिर आखिरी में तुम्हारी बीवी के हाथ की बनी दाल खाऊंगा। दाल? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है सर, मैं आपसे प्लीज और सवाल मत पूछो जस्सा। ए दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, ये कौन है जो मुझे रोक रही है? मैं हूँ इनकी वाइफ अर्धांगिनी सुहासिनी पत्नी कामिनी रश्मि उर्फ बाइको। ये तुम्हारी बीवी है? साले कल से मेरे ऑफिस मत आना। मैं अपने घर में चटनी रोटी खा लूंगा लेकिन इसके हाथों की बनी दाल नहीं खाऊंगा। कौन हो तुम? अरे अरे मैं हूँ सिद्धार्थ। तू? सिद्धार्थ बाबा? हाँ हाँ, वो कहना सर कि मैं अपनी बीवी को घर में प्यार से सिद्धार्थ कहता हूँ। और मैं उसको सुहासिनी। कैसे है सिद्धार्थ, कैसे है तू? अरे यहाँ क्या कर रहा है तू, पागल मरवाए? अरे दोस्त को मदद करने आया, टेंशन मत ले। काय की मदद? अब कौन आया? कौन है बे? Yes, I'm ready. Lights, camera, action. चलिए, मैं तो अपनी स्क्रिप्ट भी साथ में लेके आई हूँ। दादा, प्रोफाइल, प्रोफाइल। Yes, very nice, very nice. चलो अब लाइन दो। पूरे सीजन भर से लाइन दे रहा हूँ, तब तो लाइन ली नहीं इसने, अब बोल रही लाइन दो। वो वाली नहीं, मुंह से बोलने वाली, वो बीवी वाली लाइन दो, बीवी को लाइन दो, कम ऑन। बीवी? कौन सी बीवी? किसकी बीवी? काय की बीवी? अरे वो
नाटक वाले आपने फोन किया था, बोला था बीवी। अच्छा सर मेरी तो ये तुम्हारी बीवी है, फिर ये कौन है? एक मिनट सर, मैं आपसे बात कर सकता हूँ? बुड्ढी पागल है सर, पड़ोस में रहने वाली चाची है सर। हाँ सच्ची है करेक्ट। उसकी जब शादी हुई थी ना, तो तीसरे फेरे में उसका हस्बैंड मर गया था। दो फेरों तक के तो फिर भी चलता रहा, लेकिन इतनी बांस कौन सा आएगा पीछे पीछे चलते चलते। सच्ची कसम से, हाँ एकदम करेक्ट है सर। तब से पागल हो गई, जो भी जवान लड़का दिखता उसको अपना पति बोल देती है। अरे मुझे लगता है इसका पति मरा नहीं होगा, बल्कि इसने उसे दांत काट के मार दिया होगा। वही सर वही। अरे तो इसके दांतों पे रंदा क्यों नहीं मार देते? गंदा लगता है सर, गंदा। एक्सक्यूज मी, अब मुझे सीन बताइए, मेरा क्या डायलॉग है, समझाइए प्लीज, लाइन दीजिए, कुछ तो कहिए। अच्छा तो आप ही हैं जो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, बड़ी तारीफ सुनी है आपकी। एक मिनट हाँ। डार्लिंग देखिए बर्थडे की बात हुई थी, 1000 रुपीज पर डे, उसमें बीवी बनने का है। अभी ये आदमी बोलता है खाना बनाओ, ऐसे कैसे चलेगा? आप मेरे कोऑर्डिनेटर से बात करो, ऐसे मैं नहीं करूंगा, ऐसे एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे आर्टिस्ट लोग का। ऐसे आर्टिस्ट लोग इधर आता है, बोलता है आप ही काम करो, फिर बोला खाना बनाओ, ऐसे कैसे चलेगा भाई? ए, ये क्या बोल रही है, ये सच में तुम्हारी बीवी है कि नहीं? सर इतने बार तो मुझे कोने में लेकर आ रहा है, मुझे तो डर है मुझे भी अपनी बीवी ना बना ले। हाँ बोल। मेरी बीवी पागल है सर, उसको एक्टर बनना था सर, बन नहीं पाई, तो इस चक्कर में रोज एक नए कैरेक्टर में निकलती है। हाँ मिमिक्री भी करती है सर, बहुत अच्छी मिमिक्री करती है ना आप? अरे अच्छा अच्छा, मिमिक्री भी करती हैं? अरे सर मेरे जैसी मिमिक्री तो और। एनीवेज देखिए आपको मैं बताती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं श्रीदेवी टाइप बीवी बनूं तो ऐसी होगी। तो यहाँ का दादा है तू, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, दाल बनाने जा, यहाँ क्यों खड़ी है? क्या बात है सर, आपने क्या विनोद गन्ना किया, क्या बात है, आप भी मिमिक्री का शौक रखते हैं, वेरी नाइस सर। तो अब ये देखिए सर, ये देखिए, अब बीवी नंबर टू यानी हेमा स्टाइल कुछ इस तरह। यूं के ज्यादा बात करने की आदत हमें है नहीं, लेकिन तुमने पूछा ऐसे बताते हैं, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा मेरे पति मेरा देवता है, देर तक लिए मैं दाल बनाऊंगी, दाल में पहले पानी 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 से याद आया, यू ओनली ड्रिंक रेन प्योरिफाइड वाटर। टैलेंटेड सर, वेरी टैलेंटेड। चपाटे 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 खाऊंगा, दाल नहीं खाऊंगा। मिमिक्री हो रही तो मैं भी मिमिक्री करूंगा। बुजी को राग कहते हैं, तुम्हारा को कल और टुडे को आज कहते हैं, इसको खाना है दाल लेकिन मुझे पसंद है उसको साथ कहते हैं। ये सब क्या लगा रखा है, दाल चपाती रोची हंस क्या हो गया, माय गॉड मैं पागल हो जाऊंगा। बक्तावर सेठ, कुत्ते की तरह मारूंगा, कुत्ते की तरह मुंह धोगे सारे के सारे, अब साले दाल की कड़ी बन गई। अबे आप कौन है, कौन है? मैं आई 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 आजा। मुझे पता था तुम मुझे फोन जरूर करोगे और मुझे जरूर बुलाओगे। ये लोग कौन है? अब ये कौन है? मेरी बीवी है। अरे एक मिनट, देखो ये सब डिस्कशन बाद में करने का, अभी मुझे मेरा पैसे दे दो प्लीज। पैसे? पैसे सोचो ये कौन है, एक तो मेरे घर में खड़ी है, ऊपर से पैसे मांग रही है, सोचो मेरे पीछे तुम ये सब कर रहे हो। ये बताओ ये कौन है? मैं इसकी बीवी हूँ। अगर ये तुम्हारी बीवी है तो फिर ये दोनों कौन है? अगर आप छींची किया तो यही तेरी छींची निकाल दूंगा, सबके सामने बताइए कौन है। सर ये मेरी बीवी है सर। खबरदार जो मुझे बीवी कहा तो, मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। क्या
अभी बोल रही थी कि मैं इसकी बीवी हूँ और अभी बोल रही मेरे से कोई रिश्ता नहीं, मैं पागल हो जाऊंगा। सर मैं आपसे और झूठ नहीं बोल सकता। सर ये मेरी बीवी है और ये नाराज होकर घर छोड़ के चली गई थी। आपको दाल खाने के शौक पता नहीं क्यों चढ़े, आप दाल खाने आए इसलिए मैंने ये नकली बीवियां यहाँ पर अरेंज की थी। सर ये मेरा दोस्त है सिद्धार्थ। हाय हेलो। अरे काय काय हेलो पीछे चले। ये सर एक एक्ट्रेस है जिसको बीवी का रोल करना था। प्रोफाइल चेक वन, प्रोफाइल चेक टू। केवल प्रमोशन के चक्कर में ये सब हो गया। प्लीज बोलो मुझे प्रमोशन मिलेगा या नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी मैरिड लाइफ हैप्पी नहीं है तो फिर तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। आई एम सॉरी, जा रहा हूं मैं। हेलो अंकल प्लीज, देखो आपने इधर मेरे को बुलाया, मेरा टाइम कोटी किया है, अभी 1000 नहीं 2000 का बिल भेजाऊंगी मैं। ओके चलो बाय। देख भाई दोस्ती के नाते जितना कर चुका मैंने कर दिया, अभी तुम्हें संभाल ले, बाय बाय। देखा देखा बीवी से झगड़ने का नतीजा, प्रमोशन भी गई, पैसा भी गया और अब बीवी भी जा रही है। सही कहता है आमिर का भांजा इमरान, आम और लव का कोई सीजन नहीं होता और आम आदमी का कोई जीवन नहीं होता। बीवी बनेगी, कोई बीवी बनेगी मेरी।